बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि ये जो ट्रिप है इसे पूरा ऑर्गेनाइज किया है फ्लेमिंगो ट्रेवल्स एंड अबू धाबी टूरिज्म ने। अब ये मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही क्योंकि मेरा इनके साथ कोलैबोरेशन है। मैंने और सागर ने ट्रिप बहुत एंजॉय किया, बड़े मजे किए। आप आने वाले पूरे वीडियो में देखोगे कितना फन किया है हमने। फंस अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अबू धाबी का ट्रिप, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी है मैंने, लिंक भी डाल दिया है, गो चेक इट आउट। एंड या पहले वीडियो देख लो। हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड आ गई हूँ एक नई सीरीज के साथ। हम आ गए हैं अबू धाबी, पहली बार आए यूएई, तो आपको ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम अबू धाबी घुमाने वाले हैं। हमारे साथ आज हम सुबह सुबह लैंड किए अबू धाबी में। थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देती हूँ, तो अहमदाबाद से हमने डायरेक्ट फ्लाइट ली एथियाद एयरवेज की अबू धाबी तक। 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, फ्लाइट वॉज सुपर स्मूथ। यहाँ का जो टाइम है वो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। तो सुबह करीबन 7:50 हम लैंड किए, उसके बाद एयरपोर्ट से हमने सारा इमिग्रेशन वगैरह करा के सब कुछ करके हम अपने होटल आ गए। 8:30 हम रह रहे हैं यहाँ पर यास आइलैंड के हिल्टन में। और ओके, सो नाउ वी आर रेडी एंड आज डे 1 है। हम जाने वाले हैं वार्नर ब्रदर, तो बस उसके लिए निकलने वाले हैं। आपको भी लेकर चल रहे हैं साथ में, क्या है अभी कुछ पता नहीं क्योंकि पहली बार जा रहे हैं ऑब्वियसली, आपको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। लेट्स गो, हमारी गाड़ी नीचे वेट कर रही है। या वी आर रेडी। हम पहुंच गए हैं वार्नर ब्रदर्स और आज हम अपना चाइल्डहुड रिलीव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्टून कैरेक्टर्स और बहुत सारी ऐसी बचपने वाली ऐसी यादें ना ताज़ा होने वाली है। सो यस, अंदर चलते हैं, आपको भी लेकर चलते हैं। हमने ऑलरेडी जो है इसकी टिकट जो है हमने ऑलरेडी ले ली थी, तो वी हैव इन आवर फोन्स। तो यस, लेट्स गो इनसाइड। तो जी, इंडियन खाना, मटर पनीर, राइस, नान। हम लोग वैसे ऐसे बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है कि हम हर जगह इंडियन ढूंढें, लेकिन हमने यहाँ पे सब जगह देखा वेजिटेरियन में ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि ये खा लेते हैं, सेफ ऑप्शन। मैं दिख नहीं रहा हूँ, बाय द वे दिख रहे हो। से वापस आने के बाद रूम में थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए रुके थे। अभी हम जा रहे हैं शाम के 6:30 बजे हमारी गो कार्टिंग की ऑलरेडी बुकिंग है। सो यास मरीना सर्किट हम जा रहे हैं एंड मैं फर्स्ट टाइम गो कार्टिंग, एक्चुअली नहीं, एक बार मैंने किया गुड़गांव में, बट वो ऐसी थोड़ा मोड़ा किया था। यहाँ पे प्रॉपर अच्छी वाली गो कार्टिंग करने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सागर, आर यू एक्साइटेड? मुझे तुमने गुड़गांव में किया था ना, उसमें भी रहते 4 टायर ही हैं, पर उसमें 2 हाथ हैंडल पकड़ने वाले भी रहते हैं, उसको ठेला गाड़ी बोलते हैं, उसको गो गाड़ी। वेरी फनी। यस, ये इसकी बातों को इग्नोर ही किया करो गाइस। आपको डायरेक्टली लेकर हम चलते हैं यास मरीना सर्किट। We
को डर लग रहा है ये देख के, पर धीरे धीरे चलाना। हाँ मैं GoPro यहाँ पे माउंट कर लूँगी, तुम कर लो क्योंकि फोन ले जा रहा तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। यहाँ पे माउंट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे ऐसे क्लिप कर सकते हैं चेस्ट पर, पर ये तो पूरा बंद रहेगा। नहीं पर चेस्ट पे यहाँ पे क्लिप कर सकते हैं ना, ठीक है यहाँ पे क्लिप कर सकते हैं। बाकी मैं तो तुमसे पीछे ही चलने वाली हूँ तो पता नहीं शूट अच्छे से आएगा भी नहीं कि नहीं, पर ठीक है ओके लेट्स गो। हम वापस आ गए, इट वॉज सो मच फन, बहुत सही था। मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मैं सबसे लास्ट रह गई थी, बट स्टिल आई एंजॉयड इट, बहुत मतलब मज़ा आया। हाँ लास्ट में लास्ट नहीं आती, एक बंदे ने मुझे बहुत जोर का ठोका तो मेरी कार्ड जो है बंद हो गई थी, बाहर बहुत शोर हो रहा है, चल के बात करेंगे साथ। The next norm. Hello, जी एवरीबडी, a very good morning. It's day two here in Abu Dhabi. और आज का जो हमारा एजेंडा है बहुत ही क्रेजी है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं फरारी वर्ल्ड एंड आई एम रेडी नाउ। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द शटल, यहाँ पर ना होटल के ही बाहर आती है शटल और हर 15 मिनट्स में आपको यास आइलैंड में फरारी वर्ल्ड वॉर्नर ब्रदर जहाँ भी जाना है वो आपको फ्री सर्विस है शटल की, तो वो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। बस वो आएगी, हम शटल में बैठ कर जाएंगे फरारी वर्ल्ड और देखते हैं कौन कौन सी राइड करते हैं। मैं थोड़ी सी स्केर्ड होती हूँ राइड्स को लेके, बट लेट्स सी आज अपने फियर को ओवरकम करते हैं और राइड्स एंजॉय करेंगे, कि कितनी करेंगे क्या करेंगे नहीं पता है, बट यस आई एम लिटिल एक्साइटेड। सो वी आर इन फरारी वर्ल्ड नाउ, बस हम एंटर कर रहे हैं, हमारे पास पासेस ऑलरेडी है, बस स्कैन कराना है और एक्साइटेड। फरारी की रफ्तार फिर देखो आप, आप देखो आपको दिखाते हैं रफ्तार, दिखाते हैं रफ्तार दिखाते हैं, चलो अंदर चलो। ओ डैम वाली राइड में सबसे पहली कोरियानोस जीटी चैलेंज, लेट्स गो। थोड़ा इजी वाले से शुरू कर रहे हैं ताकि प्रिपेयर हो जाए थोड़ा सा। खतरनाक वाली राइड करी, क्या थी वो, टर्बो ट्रैक 240 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये जो रोलर कोस्टर कर पाए कि नहीं उसका हमने ट्रायल लिया था, जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। अभी देखो, अभी आपको इसके बाद हम इसमें वीडियो डाल देंगे कि वो कैसा चल रहा है, क्योंकि उसमें तो अलाउड नहीं है ले जाना। हाँ नहीं ले जाना अलाउड नहीं है, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है वो जीरो। और मैं सच्ची बताऊं, जब वो ऐसे ड्रॉप डाउन हुआ ना मैंने आंखें बंद कर ली, बट वो सागर बता रहा है इतना ब्यूटीफुल सीन था, वो तुझे देखना चाहिए था, क्योंकि ऐसा पूरा ना ऐसा वो फरारी वर्ल्ड का सेंटर है ये। हाँ। एकदम सेंटर है और उसपे वो ऊपर जाता है एंड ड्रॉप होता है, अब देखो वो वीडियो उसके बाद बात करेंगे। हाँ।
घंटे हमें बच गए हैं 4:15 और हम यहाँ पर एंटर किए थे अराउंड 12 और काफ़ी मज़े आए हमने, कुछ राइड्स भी करी, कुछ सिमुलेटर राइड्स भी करी। तो उसमें सब में क्या है ना कि अंदर शूट करने को नहीं देते आपको, फ़ोन वोन सब कुछ साइड करवा देते हैं, तो हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको हेयर एंड देयर सब कुछ दिखाते रहेंगे। अभी हम लंच कर रहे थे, लंच में ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा पास्ता लिया था बस एक प्लेट, थोड़ा सा लंच कर लिया है। अब हम बस थोड़ा आसपास ऐसे जस्ट घूमेंगे अराउंड फरारी वर्ल्ड, थोड़ा कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं लिए हैं तो वो करते हैं और देखेंगे। एक और सिमुलेटर राइड थी ना जो हमको करनी है, हाँ वो देखते हैं, वो करेंगे। एंड या वी आर हैविंग सो मच फन। Hours later. Everybody, so हम फरारी वर्ल्ड से बाहर निकल गए हैं और अब आ गए हैं क्लाइंब में। यहाँ पर वी आर गोइंग टू डू रॉक वॉल क्लाइंबिंग, हमारा स्लॉट यहाँ पर बुक है। यहाँ पे आपने देखा होगा स्काई डाइविंग वाला भी एक वो एयर प्रेशर जोन होता है जहाँ पर आप स्काई डाइविंग वाली फील ले सकते हो, वो भी है क्लाइंब। एंड यहाँ कितना सेक्सी लग रहा है इसका एंट्रेंस ही, अभी बस अंदर जा रहे हो। एंड या लेट्स गो। मुझे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुम बैली डांसर के जैसे मूव कर दी और ये बहुत स्टेबल था भाई। ये तो अंदर डांस कर रही है हवा में। उन्होंने बोला कि पैर और हाथ सीधे रखना है, लेकिन अरे बस डांसिंग लाइक 3-4 बार तो पूरी पूरी पलट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कि कितनी से प्रो हूं और पलटना आता है मुझे। सो बैड बट मजा आया। मजा तो यार मजा। मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम और पता नहीं क्यों ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे शेक कर रही थी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने हमारा वीडियो लिया है, इन लोग जो अपने कैमरे में लेते हैं, तो वो हम इन लोगों से लेंगे और व्लॉग जब आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो